नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों की तरफ से आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशन चैनल शिखर प्रजापति पर। फ्रेंड्स, एक बार एक गुब्बारे वाले अंकल रोजाना डिफरेंट डिफरेंट कलर के गुब्बारे बेचा करते थे। ब्लू कलर के, पिंक कलर के, व्हाइट कलर के, पर्पल कलर के, बड़े प्यारे प्यारे बैलून्स उनके पास हुआ करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था जब गुब्बारे वाले अंकल के गुब्बारे सेल नहीं हो रहे होते थे, बिक्री नहीं हो रही होती थी, तो हवा में एक गुब्बारा छोड़ते थे गैस भर के, और वो गुब्बारा हवा में उड़ने लगता था। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अट्रैक्ट होकर गुब्बारे वाले अंकल के पास जाते थे और एक बार वापस उनकी सेल्स बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, एक बार वही गुब्बारे वाले अंकल एक शादी के बाहर गुब्बारे बेच रहे थे, तभी एक छोटा सा बच्चा आता है और गुब्बारे वाले अंकल का जैकेट खींचने लगता है। पीछे से गुब्बारे वाले अंकल से पूछता है कि अंकल अंकल, अगर आप ब्लैक कलर के गुब्बारे में हवा भरेंगे तो क्या वो भी उड़ेगा? अंकल बोलते हैं, हाँ बेटा, ब्लैक कलर का गुब्बारा भी जरूर उड़ेगा, क्योंकि गुब्बारा अपने कलर के कारण नहीं, उसके अंदर जो कुछ है उसके कारण वो उड़ रहा है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारी लाइफ में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो अंदर जो है उसके कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, वो है हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग। फ्रेंड्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी 85% जो ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो बिजनेस फ्लरिश हो रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो लोगों के जॉब में प्रमोशंस मिल रहे हैं, फ्रेंड्स 85% उनको एटीट्यूड के कारण ग्रोथ मिल रही है। सिर्फ 15% उनके ग्रोथ जो हो रही है उनके कॉम्पिटेंस और नॉलेज के कारण हो रही है। फ्रेंड्स, एक अच्छा लीडर तभी बन सकता है जब उसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है। एक अच्छे पेरेंट्स तभी बन सकते हैं जब उनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है। फ्रेंड्स, एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा डांसर, एक अच्छा प्रोफेशनल तभी बन सकता है, अच्छी सर्विसेज तभी प्रोवाइड कर सकता है जब उसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है। फ्रेंड्स, पॉजिटिविटी के बारे में हम बात करें, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात करें, तो डेविड और गोलियत की कहानी बाइबल की एक बहुत ही प्यारी स्टोरी जरूर याद आती है। फ्रेंड्स, गोलियत एक बहुत बड़ा राक्षस था, लोग उससे परेशान थे, गांव के सभी लोग बड़े परेशान थे, वो सभी को मार रहा था। उसी गांव में 3 भाई रहते थे, उनको भी बड़ा डर लग रहा था कि राक्षस उनको भी मार देगा। उन्हीं 3 भाइयों का एक भाई डेविड, जो 17 साल का था, अपने भाइयों से मिलने जब गांव में आता है तो तीनों भाई बताते हैं उस गोलियत राक्षस के बारे में। गांव वाले और उनके तीनों भाई जब उनको बात बताते हैं कि राक्षस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसको मारा ही नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, जब डेविड ने देखा तो उसने गांव वालों को और अपने भाइयों को बोला, वो राक्षस इतना बड़ा है कि उस पर कोई वार किया जाए चूक ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, राक्षस वही था, देखने का नजरिया डिफरेंट था, देखने का एटीट्यूड उन सभी का डिफरेंट था। फ्रेंड्स, उस डेविड ने, उस 17 साल के लड़के ने ही उस गोलियत नाम के राक्षस को अपनी गुलेल से मार दिया। फ्रेंड्स, डिफरेंस सिर्फ एटीट्यूड का था, उसके पास एटीट्यूड डिफरेंट था, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था कि वो राक्षस इतना बड़ा है कि उसको इजीली मारा जा सकता। फ्रेंड्स, उसने राक्षस को मार दिया। फ्रेंड्स, इसीलिए लाइफ में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए, तो फ्रेंड्स पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप काम करिए, डेफिनेटली आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, साथ ही शेयर करें, हमारे इस मोटिवेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे इसी तरीके मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस लगातार मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।